शहरीन जब छोटी थी तो थोड़ी दूर अगर चलती थी तो इसका सांस फूलने लगता था और नीली पड़ जाती थी। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो इसको दिक्कत ज़्यादा होने लगी, तो हमने इसको एक बड़े हॉस्पिटल में टेस्ट कराया। टेस्ट में पाया कि वहाँ इसके दिल में दो छेद हैं। कई हॉस्पिटलों के हमने चक्कर काटे तो हमें लगा कि मतलब यहाँ ऑपरेशन का खर्चा ज़्यादा है तो हम इस खर्चे को उठा नहीं सकते। जब सैरीन हमारे पास में आई तो वो एक कंजनाइटल हार्ट डिसीज़ जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित थी। इस बीमारी में बच्चों के चलने फिरने या खेलने पे बहुत जल्दी थक जाना या फिर नीला पड़ जाने जैसे सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद में बीइंग इन डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियक साइंसेस हमने सैरीन को इवेलुएट किया विथ 2D ईको, डिटेल 2D ईको, जिसमें हमें पता चला कि वो कंजनाइटल हार्ट डिसीज़ टॉफ नामक बीमारी से ग्रसित है। चूँकि ये ऑपरेशन बहुत अर्ली एज पे हो जाना चाहिए और सैरीन की उम्र ज़्यादा थी तो हमने उसका कैथ स्टडी करने का डिसाइड किया। कैथ स्टडी के बाद में हमने उसको सर्जरी के लिए प्लान किया, जिसको टोटल करेक्शन ऑफ टॉप बोलते हैं। चूँकि सैरीन की उम्र ज़्यादा थी तो इस वजह से ये कई बड़े मेडिकल सेंटर से रिफर्ड बच्ची थी। बट बींग एन फुल फ्लेज डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डिक साइंसेज, वी हैव एक्सेप्टेड दैट चैलेंज और हमने इस सर्जरी को किया। मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा सैरीन की बहादुरी का, जिसने इस मेजर सर्जरी को बहुत बहादुरी से लिया एंड सी रिस्पॉन्ड टू वेल विद सच अ मेजर सर्जरी। 4 दिन के ICU स्टे के बाद उसकी रिकवरी बहुत अच्छी है। सोनिया जी ने सारा खर्चा उठाया और जो ये ऑपरेशन और हॉस्पिटलों में महंगे दर पर हो रहा था वो यहाँ पर उससे आधी दर में हुआ। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा सोनिया जी को, जिनके हेल्प और सपोर्ट की वजह से ये सर्जरी पॉसिबल हो पाई और एक नन्ही जान को उसकी ज़िंदगी मिल सकी। मैं आग्रह करना चाहूँगा अपनी सोसाइटी के उन संपन्न लोगों से जो कि सोनिया जी की तरह आगे आएँ और ऐसी जिंदगियों को बचाने में हमारी हेल्प करें।